कैसे हो आप सब। बहुत टाइम के बाद आप देख रहे होंगे मुझे यूट्यूब पर, तो कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ कमेंट में लिख देना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग मतलब बहुत अंदर से फील हो रहा है कि मतलब बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आएंगे। बिकॉज मतलब मैंने पोस्ट डाला था कि मैं 3 मई को मतलब आज के दिन एक व्लॉग पोस्ट करूँगा, तो मैंने ना कमेंट्स मतलब पढ़ने गया मैं, तो इतने सारे कमेंट्स आए कि मतलब इतना व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते हो, क्या हो गया आपको, और क्यों इतना मतलब इतने दिन से क्यों नहीं बना रहे थे। मैं एक कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था कि तुषार सर के साथ प्रैंक कॉल करो, तो मैं करता था, बट अभी तुषार भैया सुपर आंसर में है तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मतलब बहुत सारा कभी कभी टेंशन रहता है कि एक्ट होएगा कि नहीं वो, तो मैं उसमें प्रैंक नहीं करना चाहता हूँ और मैं करूँगा भी नहीं, बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए सॉरी, बट मैं किसी और के साथ ज़रूर कर सकता हूँ। तो गाइस लो मैं आ गया हूँ फिर से, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और थोड़े दिन में न्यू फ़ोन, तो मतलब मम्मी मुझे गिफ्ट कर रही है न्यू फ़ोन, तो अच्छा ही फ़ोन लेंगे और अच्छा क्लियरिटी लेंगे कैमरे का, तो फिर मैं डेली व्लॉग्स बना पाऊँगा। अभी का सीन है कि अभी 9 बज रहे कम से कम और मम्मी भी नहीं थी, अभी मम्मी गई है और मैंने एक न्यू आर्टवर्क स्टार्ट किया है और फिर मैं उसको कंप्लीट करने बैठता हूँ अभी, क्योंकि मतलब करना है मुझे, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको आधा बना है वो दिखा देता हूँ। गाइस ये ड्राइंग में बना रहा हूँ, एक मम्मी के हाथ में बेबी को ऐसा उठा के रखा है, वो इतनी कंप्लीट हुई है। सोचो इतनी ही बनाने में मुझे कम से कम 4 घंटे मुझे इसमें मुझे चार घंटे लगे, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें 1 ही घंटा लगा, ठीक है। और अभी मैंने ये आज ही कल मैंने इसको आधा कंप्लीट किया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि करूँ, वैसे टाइम तो बहुत जाएगा इसमें, क्योंकि मैंने आउटलाइन में एक गलती कर दी, ये हाथ को बड़ा कर दिया, ये हाथ को छोटा, तो पहले मैं यहाँ तक कर लूँगा शेडिंग, फिर इसको इरेज करके और एक बार अच्छे से बनाऊँगा, फिर करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे जाके मेरी अगली वीडियोज़ में आपको एक ऐसी स्केच देखने मिलेगी इसकी अगली वीडियो में, तो मतलब वो सरप्राइजिंग स्केच है। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी, तो मैं अगली व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत अभी अंदर रख दी है, उसको फ्रेम करवाना था इसलिए। तो चलो अभी ये इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं जस्ट बना नहीं जा रहा था, तो मतलब बनाने के लिए मुझे फ़ोटो देखना पड़ेगा, तो उसमें से देख के तो बनाऊंगा मैं। तो जब मैं अपना टैब लेने गया, उधर ही पड़ा है टैब, जब मैं टैब लेने गया देखा तो पूरा स्विच ऑफ है, और मैं कोई भी ड्राइंग बनाता हूँ तो टैब में से बनाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्रीन रहता है ना, तो फिर अच्छे से दिखता है। बट एक प्रॉब्लम हो गई है, टैब भी मेरा स्विच ऑफ है और मैं बिना देखे इसे तो बना नहीं सकता, मतलब बना सकता हूँ बट वैसा नहीं बनेगा जैसा फ़ोटो में, और फ़ोटो वाला बहुत ही मस्त है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पावर बैंक भी नहीं है मेरे पास एक, तो मतलब मैंने देखो सब रेडी कर लिया है, मैंने पेंसिल भी मतलब मैंने आधी शेडिंग भी कर ली, वो देखो ब्लैक के इधर ना ब्लैक कर रही भी लिया मैंने, तो अभी मैं ये स्टार्ट करने जा रहा था, तो देखा तो टैब मेरा स्विच ऑफ है। तो अभी देखते हैं, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, मेरे पास एक वो पड़ा था, वो रहता है ना गोल चक्री जैसा, तो अगर वो चला तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ब्लैक ही स्टार्ट करेंगे और उसे बाद में कंप्लीट करेंगे, तब तक मैं टैब को चार्ज कर लूँगा। सो चलो, मैंने बहुत दिमाग लगा के और ढूंढ के आखिरकार मैंने ये पावर बैंक ढूंढ लिया, ऐसे ही पड़ा था, मैंने सोचा ट्राई करके देखते चलता है कि नहीं, और ये चल रहा है, तो देखो मैंने बोला था ना हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो घर में पड़ा रहेगा, तो ये एक्स्ट्रा पावर बैंक पड़ा था, इतना चलता नहीं है बट स्लोली चल रहा है, तो ठीक ही है, बस मैं जो मुझे तो फोटो में देख के बनाना है, तो अभी तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ।
कुछ शेडिंग कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा ना, मैं यहाँ पर जब शेडिंग कर रहा था तो यहाँ पर ना ऐसा कुछ ऐसे मतलब दबाव पड़ रहा था, जैसे ये है ना ये तो ऐसे पड़ रहा था। तो फिर मैंने पेपर को ऐसे उठा के देखा, तब पता चला ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर से एक सीधी लाइन आ रही है। तो वही सीधी लाइन पर मैंने पेपर रख दिया और जहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसा धब्बा आ गया है। देखो ये धब्बा आ गया है। तो इसलिए मैंने अभी अलग जगह पर जाने का सोचा है। मैं बेडरूम पर जाऊँगा, नहीं तो ये जगह ठीक है यहाँ पर। और वैसे गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:53, ना ही कंप्लीट हुआ है, कम से कम इतना ही। पहले मैंने इसको शेड किया प्रॉपरली, अभी इसको करना है, तो मतलब अभी तक इतना ही हुआ है आधे घंटे में। गाइस अभी जस्ट मम्मी आई और मैंने थोड़ा सा वर्क छोड़ा और मम्मी ने जस्ट अभी दिया है आम। मम्मी अभी आते समय लेके आई है आम, तो अभी थोड़े टाइम आम खाएंगे और फिर इसको कंप्लीट करके खाना खा के सो जाएंगे और फिर हम लोग का कल का दिन शुरू करेंगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी जैसे कि आपने देखा, मैं रात में स्केच बना रहा था, उस स्केच बना के खाना खा के मैं सो गया और अभी जस्ट मैं उठा हूँ और अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं अभी, और मैं अभी तक नहीं नहाया हूँ। तो अभी मैं जाकर नहाऊँगा, फ्रेश होऊँगा, फिर देखते क्या करना है। बट गाइज अभी भी आप सोच सकते हो वो सरप्राइजिंग स्केच क्या है। मैं तो अभी नहाने जा रहा हूँ, बट आप सोच सकते हो बिकॉज वो सरप्राइजिंग स्केच है, तो होता है ना, अरे क्या होगा क्या होगा, तो आप सोच सकते हो। अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, नहा लिया है मैंने, बट कपड़ा सेम पहना है बिकॉज वो सुबह सुबह मैंने यही कपड़ा पहन लिया था, क्योंकि मैं ऐसी खुले में सोता हूँ, बहुत गर्मी है ना, तो इसलिए मैं खुले में सोता हूँ, तो यही पहना है। और अभी का सीन ये है कि एक प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी, जो मेरे भाई का फ़ोन था उस पर लॉक लग गया है, मतलब उसको यूज़ करने के लिए दिया था फ़ोन, क्योंकि हम लोग कहाँ बाहर जाते हैं तो उससे बात करने नहीं होता है ना, मतलब मैं और मम्मी जाते हैं और पापा भी ऑफिस में रहते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए फ़ोन दिया था, तो उस पर उसने लॉक लगा दिया, क्योंकि मैं वो फ़ोन ले लेता हूँ ना कभी कभी, तो लॉक अभी वो भूल चुका है और अभी पापा उसको ठीक करवाने गए अगर हो सके तो, नहीं तो फिर मतलब भूल ही गया वो, मतलब एक ही अटेम्प्ट बचा है फिर फ़ोन लॉक हो जाएगा। हाँ बाद में, थोड़े टाइम बाद। नीचे इधर नहीं, नीचे खेलेंगे। ठीक करवाने गए और मैं बैठा था घर पर, टीवी देख रहा था। देखो मैं आपको ना बाहर का व्यू बताता हूँ, देखो यहाँ से ऐसा दिखता है, यहाँ पर गेट है और वो देखो मेरा भाई उधर। तो गाइज अभी मैं जाता हूँ नीचे खेलने, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़े टाइम बाद मिलता हूँ, क्योंकि कुछ मेरा स्केच का सामान लेना है, तो उसके लिए मैं दुकान जाऊँगा। गाइज अभी बहुत ही मतलब खेल के हम लोग आ चुके हैं, मेरा भाई है और यहाँ पर हम लोग वाटरमेलन खा रहे हैं। और गाइज अभी बहुत ही एक खुशखबरी हुई है कि अभी जस्ट मैं पापा इसका फ़ोन ठीक करवाने गए थे, तो वहाँ पर ही पूछ के आए फ़ोन के लिए, तो मैंने फ़ोन डिसाइड कर लिया है, तो फ़ोन डायरेक्ट आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी लेंगे हम लोग, एक हफ्ते बाद लेंगे, वैसे बुक तो कर लिया है कि हम मतलब यही लेना है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी कुछ नहीं बैठे, अभी तो 1 बज रहे हैं, तो फिर अभी बहुत 1 बजने के बाद अभी तो बहुत टाइम है, फिर अभी 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, मेरे को फिर मैं नीचे से आया, मेरे को लगा 3 बज गए, तो फिर मैंने देखा अभी तक तो 1 ही बजे, बहुत ऐसा स्लोली टाइप टाइम जा रहे हैं और सब ठीक है। और अभी इतनी तगड़ी वाली मतलब बारिश हुई थी ना, इतनी तगड़ी बारिश हुई थी, मैं आधा भीग भी गया था, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, मतलब बहुत खतरनाक। हम लोग खेल रहे थे और झट से बारिश आ गई, हम लोग फटाफट भाग के ऊपर आ गए। और गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने और मेरे भाई ने सोचा है कि हम लोग हमारे बिल्डिंग में या फिर हम लोग के फैमिली में सबके साथ प्रैंक करेंगे। तो अभी हम लोग सोच रहे थे, हम लोग तो यही व्लॉग में सोच रहे थे, बट ये फ्री, अरे देख लो ये हेयर कट है ना, तो हम लोग सोच ही रहे थे ये व्लॉग में करने, बट हम लोग ने नहीं सोचा, क्योंकि कल फटाफट ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अभी हम लोग थोड़ा प्लानिंग करेंगे, फिर हम लोग व्लॉग
बनाएंगे प्रैंक ना, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा, आपको देख लेना। वो सोच लिया हम लोगों ने ऑलमोस्ट तो, और हम लोग अभी ज़्यादा कर मैं भाई के साथ ही वीडियोज़ डालूँगा बिकॉज अभी यही है। और गाइस इसका भी चैनल है मानव वर्मा ब्लॉग्स, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई के चैनल को, अभी अभी जस्ट खुला है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ओ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, पहले वीडियो तो देखने दे। हाँ तो फिर अभी हम लोग ऐसे ही फ्री में बैठे थे, अभी क्या कर रहे थे? हाँ तवा सारा मूड खराब कर दिया। क्या तवा सारा मूड खराब कर दिया। ऐसी पागल जैसे करते रहता है। तो गाइस अभी तो बहुत बाहर बहुत ही मौसम अच्छा है, देखो बहुत बारिश हुई तगड़ी वाली, देखो गीला गीला लग रहा है फुल, बहुत ही तगड़ी वाली बारिश हुई थी इसलिए। अभी देखो कितना मस्त धूप आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चल टेरिस पर चलते हैं, चल। तो अभी टेरिस पर जा रहे हैं हम लोग। आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है मेरा, और ये मेरी साइकिल। तो अभी टेरिस पर चलते हैं। आ गए टेरिस पर, यहाँ पर भी देखो पानी गिर गया है। ये हम लोग का टेरिस है, उस साइड भी है, और यहाँ पर सामने वाली जो बिल्डिंग है ये देखो ये वाली, इधर मेरी नानी का घर है, और यहाँ पर एक है, देखो आपको दिख रहा होगा, जस्ट जस्ट बारिश हुई है, हम लोग भीगे भी थोड़ा जानबूझ के, और यहाँ से जस्ट ही मतलब जस्ट एक सामने बिल्डिंग है, देखो ज़्यादा इतना दूर भी नहीं है, ऐसे इधर है बस थोड़ा हाइट में। तो चलो नीचे चलते हैं, बारिश का नाम लेके धूप आ रही है। आप आए हो नीचे? नहीं ठीक है, चलो आंटी फिर गेट बंद कर दी। मेहता का उल्टा चश्मा, ये फेवरेट शो है हम लोग का, दिन भर यही चालू रहता है। देखो मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो मैंने बैक कर दिया है, अभी ज़्यादा आपको तारक मेहता ही दिखेगा। ये देखो तारक मेहता, और नीचे का बस थोड़ा मूवीज़ दिखेगा क्योंकि पापा को साउथ मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, और मैं जस्टिकल सुपर डांसर भी देख रहा हूँ, ले देख ले क्या देखना है। और ये है सारे गमा कारवान, बजा के देखे क्या इसको? रुक जा, कहाँ से ऑन होता है? यहाँ से, मुझे ये मिला था सुपर डांसर में। भाई लगता है बैटरी लो हो गई है, तो गाइस इसकी बैटरी लो हो चुकी है, तो इसे हम लोग कभी बजाएंगे, कल परसों नरसों। अभी लगता है दुकान खुल गया होगा नीचे, तो अभी मेरे को वहाँ से सामान लेने जाने का है, तो मैं फ़ोन तो नहीं लेके जाऊँगा, तो मैं और मेरा भाई जा रहे सामान लेने। आ रहा है भाई तू नीचे? मेरे को थोड़ा सामान लेने का है, स्केच का, चॉकलेट भी खाएंगे। चल मेरा बना रहा हूँ, तो गाइस मेरे बहुत बना रहा हूँ, तो अभी आज खाने वाला मेरा सिग्मा का बैट। तो अभी मेरा जस्ट भाई ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, तू आएगा? नहीं, चलना चॉकलेट भी खाएंगे। तो कोई नहीं, मेरा भाई नहीं आ रहा, तो मैं अभी नीचे जाता हूँ और फटाफट, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही शॉपनर वो सब लाने का है, तो मिलता हूँ आपको फटाफट। तो गाइस अभी का सीन ये है कि मतलब मैं लेने गया था सामान नीचे, पर तभी मेरा पोपट हो गया था, मतलब दुकान बंद था, मेरा और मेरा भाई गए थे तो दुकान बंद था, तो उसकी जगह पर भाई को कुछ चॉकलेट्स चाहिए था, तो मैंने उसे पैसे दे दिए, बाकी के पैसे लेके आ गया। और मम्मी अंदर कुछ तो काम कर रही है, और जैसी मैं आया वैसी मतलब इतना थकान फील हो रहा था, तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी मैं थोड़ा सा लेट भी गया था, बीच में झपके लग गई थी, और फिर उसके बाद देखा तो फिर एडिटिंग करने लग गया मैं, आधा मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है।
सो अभी नाश्ता करने का टाइम है, मम्मी कुछ काम कर रही है, फिर उसके बाद नाश्ता बना के देगी मम्मी। हर बात पे मेरे इस पे एग्जाम मत डाला कर भाई, जो भी एग्जाम वो एग्जाम। तो भाई वाईफाई बंद हो गया है और पता नहीं, और इसको गेम खेलना था और फिर इसने मेरे ऊपर नाम डाल दिया कि मैं नहीं खेल पाऊँ इसलिए तूने वाईफाई बंद कर दिया। मेरे आईडिया कोई तो खेला है और हाइड कर दिया है। ऊपर क्या झूठ बोल रहा है, तेरे फोन को हाथ भी नहीं लगाया मैं। ये अपने आप आ गया क्या? अपने आप आ गया? हाँ ये मैं गेम खेला, आईडी थोड़ी हाइड किया हूँ झूठे। जा नीचे से आए, पैर वीर धो कुछ कर, वो एक गंदगी में से आया है, जा। सो गाइस फिलहाल ये ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो चलो बाय।